तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और डाइन्स के बारे में, जिसमें हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डाइन्स आ जाएं। अगर अब एक्सोसाइक्लिक डाइन्स कैसे होते हैं इसकी बात देखते हैं। कुछ इस तरीके का एग्जांपल अगर आपको दिखे, जहां पर डबल बॉन्ड क्या हो, रिंग के बाहर की तरफ हो, ऐसे ही आप इस एग्जांपल को भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही आप इस एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं। तो ये सब एग्जांपल क्या है, एक्सोसाइक्लिक डाइन्स। ऐसे ही आप लोग एरोमेटिक डाइन्स की भी बात कर सकते हैं। अब एरोमेटिक डाइन्स में एक तो सबसे पहला फेमस वही फ्यूरेन। देखो फ्यूरेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि धड़ल्ले से पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में यूज होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, धड़ल्ले से हम इसका यूज करते हैं। अब पायरोल की बात करते हैं, थायोपिन की बात करते हैं, क्योंकि वो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनको यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या होता है, लीस्ट एरोमेटिक होता है। और क्योंकि लीस्ट एरोमेटिक है इसलिए बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है। ऐसे ही अगर आपसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो एक एग्जांपल और है आपके पास कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। ये भी आपके पास एरोमेटिक वाले पार्ट में आता है। लास्ट बात और करते हैं कुछ ऐसी डाइन्स जहां पर क्या हो, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब कुछ ऐसा ग्रुप जो बाहर निकल सके। जैसे अगर पहले एग्जांपल को मैं डिस्कस करता हूं, तो पहला एग्जांपल तो कुछ ऐसा है SO2, दूसरा एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है जहां पर C डबल बॉन्ड O, फिर अगला एग्जांपल आपके पास ये ऐसा है, ऐसा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां से SO2 ग्रुप निकलेगा, यहां से CO ग्रुप निकलेगा, यहां से आपके पास CO2 ग्रुप निकलता है, और यहां से आपके पास N2 ग्रुप निकलता है। तो ये भी आपके पास एक खास तरह की डाइन्स होती है। तो यहां पर तो आपका खत्म हो चुका है टाइप ऑफ डाइन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डाइनोफाइल। देखो अगर अपन डाइनोफाइल की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें अपन दो बात करते हैं, एक तो अपने पास एल्कीन होते हैं और एक अपने पास एल्काइन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन ही ज्यादा फेमस डाइनोफाइल होते हैं तो एल्कीन को आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो और एल्काइन कुछ इस तरीके से हैं। अब यहां पर एक कैटेगरी और होती है हेटरोडाइनोफाइल, हेटरोडाइनोफाइल। अब आखिरकार हेटरोडाइनोफाइल क्या होते हैं, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही अगर मैं O डबल बॉन्ड O की बात करता हूँ, ऐसे ही मैं N डबल बॉन्ड O R की बात करता हूँ, तो अगर आप इतने पार्ट को देखोगे तो ये वाला पार्ट आपके डाइनोफाइल का वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। तो कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं डाइनोफाइल के। तो हम डाइनोफाइल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और डाइनोफाइल की क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले एल्कीन के अंदर बात कर लेते हैं। एल्कीन में आपके पास सबसे पहला एक क्लासिफिकेशन होगा एसाइक्लिक वाला। अब अगर एसाइक्लिक की बात करता हूं, तो एक तो सिंपल ये है ही, इसके बाद आप कुछ ग्रुप लगा दो, CN, यहां पर CHO ग्रुप लगा दो, COOET ग्रुप लगा दो, या फिर आप इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप लगा सकते हो, CN, 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 CN। एक तो एसाइक्लिक हो गए। उसके बाद साइक्लिक वाले एग्जांपल कौन से होते हैं, ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया, ये हमारे पास साइक्लिक डाइन्स वाले में। इसका ये जो डबल बॉन्ड है यही तो इंटरेक्ट करता है, यहां पर यही इंटरेक्ट करेगा।
साइक्लिक एसाइक्लिक कुछ इंपॉर्टेंट डाइंस और होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे SOPH, जैसे PPS3+, जैसे SEOPH, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अब हम और बात कर लेते हैं एल्काइन के केस में, तो ये हो गया एल्काइन का, यहां पर CN लगा है। और एग्जांपल देख लेते हैं साइक्लिक में, तो साइक्लिक में आपका एक फेमस एग्जांपल होता है बेंजाइन, इसकी अपन बात करेंगे। और एक एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ यही ले लो आप इस तरीके से। तो ये आपके पास कुछ डाइंस के और क्लासिफिकेशन हो चुके हैं, इतना आप बना लो। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल पढ़ा है, लेकिन अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल। आखिरकार दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि डाइन कैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डाइनोफाइल कैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन से डाइनोफाइल की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है और कौन से की कम है। एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया रिएक्टिविटी फास्ट और स्लो, और एक क्लासिफिकेशन ये हो गया कि कौन आपके पास डील सेंटर रिएक्शन दिखाएगा और कौन से डील सेंटर रिएक्शन नहीं दिखाएगा। दो कैटेगरी बनेंगी, एक तो बोलेंगे कि भैया हम रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, कुछ भी कर लो हम अपने अंदर इतना रिपल्शन नहीं सहन कर सकते, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर जहाँ पर रिपल्शन की वजह से वह अपने एस सिस फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था एस सिस फॉर्म ही हमेशा डाइन की एक्टिव फॉर्म होती है, तो हम देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर दिक्कत हो रही है। और एक वो होंगे तो बोलेंगे हम देंगे लेकिन अभी नहीं बाद में, मतलब तमाशा करते फिरेंगे। तो हम दोनों ही क्लासिफिकेशन को अच्छे समझेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल। हम अब बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल। अब इस टॉपिक में देखते हैं क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट आने वाले हैं नेचर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल। अब आप जरा ध्यान से यहां पर देखना, इस वाले केस में हम लोग सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं नेचर ऑफ डाइन। अब इसमें हमें दो बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एस सिस फॉर्म ऑफ डाइन इज एक्टिव फॉर्म। जैसे हमारे पास अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये आपके पास सारे के सारे एग्जांपल क्या हैं, एस सिस फॉर्म के एग्जांपल हैं। एस सिस का मतलब मैंने आपको समझाया था, जो कि सिस हैं अराउंड सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये सिस हैं डाइन, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस हैं डाइन, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस एंड डाइन, और इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस एंड डाइन। तो ये सारी फॉर्म क्या है, एक्टिव है और आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करता हूं एस ट्रांसफॉर्म ऑफ डाइन इज इनएक्टिव फॉर्म। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास जो है इसको अपन बोलते हैं एस ट्रांस। क्या बोलते हैं, एस ट्रांस। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं ये डाइन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तो ये सवाल, और ये रिएक्शन में फास्ट पार्टिसिपेट करेगी या स्लो पार्टिसिपेट करेगी, ये सवाल, दोनों अलग अलग सवाल है। सबसे पहला, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। दूसरा सवाल, ये रिएक्शन में फास्ट पार्टिसिपेट करेगी या स्लो पार्टिसिपेट करेगी, दोनों अलग अलग सवाल है। सबसे पहले हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। देखो ये अभी अपने ट्रांसफॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसको रिक्वेस्ट करें, हम बोले कि आप रिएक्शन दिखाओगे, तो हाँ बोलेगी,
मैं रिएक्शन दिखा सकती हूं। कैसे? क्योंकि यहां पर क्या है, आपके पास ये जो सिंगल बॉन्ड नजर आ रही है, ये जो सिंगल बॉन्ड नजर आ रही है, इस सिंगल बॉन्ड का राउंड रोटेशन है। जब इस सिंगल बॉन्ड का राउंड रोटेशन होगा तो ये अपने आप को कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में, एस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। बोलिए क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये अपने आप को एस एस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी, तो ये रिएक्शन दिखा देगी। तो हम बोलेंगे ये एस ट्रांस तो है, लेकिन ये एस ट्रांस में कौन सा है? नॉन रिजिड। एस ट्रांस में कौन सा फॉर्म है? नॉन रिजिड। जिसको रिक्वेस्ट करने पर वो बोले हम रिएक्शन दिखा देंगे, वो होता है एस ट्रांस में नॉन रिजिड, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन पॉसिबल है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करता हूं आपसे, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, यहां पर ऐसा है, और आपसे पूछा जाए कि यहां पर रिएक्शन दिखाएगी नहीं दिखाएगी, तो ये जो फॉर्म होती है ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एस ट्रांसफॉर्म है। तो अब हम चेक करेंगे एस ट्रांस में अगर नॉन रिजिड फॉर्म होगी तो रिएक्शन दिखा देगी। तो हम बोलेंगे ये जो है इस सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन करके यहां पर इस तरीके से अपने आप को एस सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका एस सिस फॉर्म हो गया। जो भी कोई अपने आप को एस ट्रांस जो होती है वो अगर रोटेशन करके सिंगल बॉन्ड अराउंड एस सिस में कन्वर्ट कर ले तो उसको हम बोलते हैं एस ट्रांस नॉन रिजिड। क्या बोलते हैं? एस ट्रांस नॉन रिजिड। तो ये भी रिएक्शन दिखाएगी और ये भी रिएक्शन दिखाएगी। लेकिन अगर वहीं पर मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं और एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा है यहां पर, तो ये वाली फॉर्म अगर आप जरा ध्यान से देखोगे इस बॉन्ड के अराउंड, तो ये वाली आपके पास क्या है? एस ट्रांस है। और ये एस ट्रांस में इस बॉन्ड के लोग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? रिंग का पार्ट है, और रिंग तो टूट जाएगी अगर आप रोटेशन करवाओगे। तो हम बोलेंगे ये एस ट्रांस तो है, लेकिन ये एस ट्रांस कैसी है? रिजिड है, इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्या आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है? आपके पास एक तो एसिस होती है, वो फॉर्म तो एक्टिव होती ही है, लेकिन जो एस्ट्रांस फॉर्म होती है उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होती है एस्ट्रांस नॉन रिजिड और एक होती है एस्ट्रांस रिजिड। एस्ट्रांस नॉन रिजिड कौन सी होती है? जहां पर सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करके उसको एसिस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, उसका रिएक्शन स्लो होगा लेकिन रिएक्शन जरूर देगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह है एस्ट्रांस रिजिड, ये कभी भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये कभी भी 4+2 साइक्लोएडिशन या फिर डिसइंटरेक्शन नहीं दिखा पाएगा। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल की मैं और बात करता हूं, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, और यहां पर आपके पास ये वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर आप इसको बनाना चाहोगे, किस में बनाना चाहोगे? इस फॉर्म में बनाना चाहोगे, एस इस फॉर्म में, तो यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? यहां पर दिक्कत आ रही है इन ग्रुप्स के बीच में खतरनाक रिपल्शन, क्योंकि इन ग्रुप्स के बीच में खतरनाक रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए ये अपने आप को इस फॉर्म में कभी लाना ही नहीं चाहेंगे। तो ये क्या होगा? एस ट्रांस होगा, लेकिन एस ट्रांस में भी क्या होगा? रिजिड होगा, मतलब ये भी आपके पास रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्म बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो मैं अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपको उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कौन रिएक्शन दिखाएगा और कौन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो एक बात अपने दिमाग में फिट करो, जो एस सिस फॉर्म होती है जहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस फॉर्म होगी वो हमेशा रिएक्शन दिखाएगी, लेकिन जो एस ट्रांस फॉर्म होगी देखने में तो लगेगा रिएक्शन नहीं दिखाएगी, लेकिन एस ट्रांस में भी चेक कर लेना, यदि वो नॉन रिजिड है तो रिएक्शन दिखाएगी, और यदि वो रिजिड है तो रिएक्शन नहीं दिखाएगी। नॉन रिजिड रिएक्शन क्यों दिखाएगी? क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड उसको एस सिस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं इस डाइन के ही दूसरे पार्ट पे जाता हूं। सबसे पहला पार्ट हम ये पढ़ रहे हैं कौन रिएक्शन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइन में ही नेचर में कि आखिरकार अगर हमारे पास सारी ही डाइन रिएक्शन दिखाएंगी तो सबसे फास्ट डाइन रिएक्शन कौन सा दिखाएगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी इस क्वेश्चन से। हम लोगों ने नेचर ऑफ डाइन में अभी पहला पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमें ये समझ में आ चुका है कौन सा डाइन रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। ये क्वेश्चंस हैं, आपके पास ऐसे ही एनएटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पर डिफरेंट डाइन्स बना दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कौन सा डिसइंटरेक्शन रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को देखता हूं, आप अगर जरा इस फॉर्म को जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपको कैसी नजर आ रही है? सिस फॉर्म में नजर आ रही है, तो हम बोलेंगे एस सिस। और अगर ये एस सिस है तो हम बोलेंगे ये आपके पास डिस अल्टरेशन शो करेगी। देखो एस सिस में, आपको नोट में लिखा देता हूं मैं इस बात को, नोट में मैं यहां पर लिखा देता हूं, जब भी आपके पास एस सिस फॉर्म होगी तो उसमें कभी सोचना ही नहीं है, लेकिन जब आपके पास एस ट्रांस होगी तो इसके केस में सोचना है। एक तो आपके पास नॉन रिजिड होगी और एक आपके पास
रिजिड होगी, नॉन रिजिड वाली रिएक्शन दिखाएगी और रिजिड वाली रिएक्शन नहीं दिखाएगी, इतना ध्यान रखना है। इस वाले केस में देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले केस में डबल बॉन्ड पे ध्यान दे रहा हूँ, सिर्फ डबल बॉन्ड पे ध्यान देना है, तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस है और इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये आपके पास एग्जाम्पल है एस ट्रांस रिजिड, और जब भी एस ट्रांस रिजिड होता है तो रिएक्शन नहीं दिखाता है। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, जरा इस फॉर्म को ध्यान दो, इस फॉर्म को देखो ध्यान से, सिस आ रहा है तो हम बोलेंगे ये एस सिस है और एस सिस वाले रिएक्शन दिखाते हैं। इसको देखो, जरा इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे डबल बॉन्ड को, तो ये आपको कैसी नजर आ रही है, ट्रांस, और यहाँ पर ये ट्रांस है, सिंगल बॉन्ड कैसी है, रिंग का पार्ट है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये कैसी है, एस ट्रांस रिजिड है, और जब भी कोई एस ट्रांस रिजिड होती है तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो है आपका रिएक्शन नहीं होने वाला। इस वाले केस में देखो, ये तो बहुत आसान केस है, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास क्या है, एस सिस है, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। इस वाले केस में देखो, देखो अगर मैं इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो ये ट्रांस है, इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये ट्रांस है, लेकिन आपको वो लेना ही क्यों है, आप तो इस वाले पार्ट को लो ना, ये वाला तो सिस है तो ऐसे से तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। इस वाले केस में देखो, ये देखो इंटरेस्टिंग का केस, इस वाले के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हैं, ट्रांस हैं, तो हम बोलेंगे ये एस ट्रांस है और एस ट्रांस में भी क्या है, रिजिड है, क्योंकि ये रिंग के अंदर आएगा, बोलो, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होकर पॉसिबल हो जाएगा, तो ये एस ट्रांस तो है, लेकिन ये एस ट्रांस कैसा है, नॉन रिजिड, बोलो, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा रिएक्शन कहां होगी और कहां नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा नेचर ऑफ डाइन में ही सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, हम लोग नेचर ऑफ डाइन के ही सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आखिरकार सेकंड पार्ट में क्या है, आपके पास यहां पर डाइन है, जरा ध्यान से देखना इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास ऐसे डाइन है और यहाँ पर आपके पास ऐसे डाइन है। अब अगर मैं इस पर लगा देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप हमेशा याद रखना जिस डाइन पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री में बात कर रखी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो हम बोलेंगे जिस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होती है उसका रिएक्शन भी फास्ट होता है, तो आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा कुल मिला के। अब एक्चुअली ये कहानी क्यों है, आप अगर याद करोगे तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं जिस डाइन पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगा उसको होमो क्या होगा और इंक्रीज होगा, एनर्जी और इंक्रीज होगी, और वहीं हम डाइनोफाइल की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसका लोमो और नीचे आएगा, तो होमो लोमो इंट्रैक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैंने आपको जीओसी में पढ़ा रखा है, होमो लोमो इंट्रैक्शन के लिए आपके बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे आपका इंट्रैक्शन होगा, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास OCH3 है और यहाँ पर आपके पास डाइन है, पहला एग्जांपल ले लिया मान लो, बताइए इस वाले में क्या करोगे, हम बोलेंगे इसका रेट फास्ट होगा क्योंकि हमें पता है OCH3 क्या दिखाने वाला है, प्लस M ग्रुप लगाने वाला है। ऐसे ही मान लो अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर आपके पास CH3 है और यहाँ पर आपके पास ऐसा है, बोलो इस वाले केस में क्या करोगे, आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें ये नहीं पता हुआ क्या, CH3 मतलब प्लस H लगाएगा और इसका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है, इसी से रिलेटेड मैं कुछ और सवाल देता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर आपके पास क्या है OMe है, यहाँ पर आपके पास क्या है CH3 है और यहाँ पर इस तरीके से है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास OME है, यहाँ पर आपके पास OAC है, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा है,
यहाँ पर ओ एम ई है, यहाँ पर ओ एम ई है, यहाँ पर आपके पास ओ एम ई है और यहाँ पर ऐसा आ गया। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास सी एल है, यहाँ पर आपके पास डाइन है। चौथा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल, यहाँ पर एन ओ टू है इस वाली जगह आपके पास यहाँ पर सी एल है और यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर सी एन है सी एन है तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, इनको ट्राई करो, कर लोगे आसानी से, बहुत सिंपल है, बस ध्यान के रखना है वही डाइन फास्ट रिएक्शन दिखाएगी जिस पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होगी। अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करता हूं, हमें पता है ये ओ एम ई है प्लस एम दिखाई देगा, ये सी एस थ्री है प्लस एच दिखाएगा और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले आपके पास ये ऑर्डर बन जाएगा। इस वाले ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पर फिर से आपके पास ओ एम ई है तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम, यहाँ पर ओ ए सी है ये भी प्लस एम दिखाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं। अब सवाल आ रहा है दोनों में से किसका ज्यादा होगा, तो ए सी का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो ये ओ यहाँ तो रेजोनेंस करेगा लेकिन साथ साथ इसके भी रेजोनेंस करेगा, तो इसका रेजोनेंस बढ़ जाएगा, तो इसका प्लस एम ज़्यादा होगा, इसका प्लस एम कम होगा और इसका तो सबसे कम है ही नहीं कुछ भी प्लस एम। इस वाले केस में दो दो आपके पास प्लस एम है तो ये सबसे फास्ट हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। इस वाले केस में आपको पता है ये सी एल क्या लगाने वाला है, माइनस ही लगाने वाला है। इस वाले केस में देखो ये सबसे पहले, फिर ये क्योंकि ये लगाता है माइनस आई और ये लगाता है खतरनाक माइनस एम। अब कम से कम मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ, बेसिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, इसलिए ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की सीक्वेंस में हमेशा पढ़ा जाता है, उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर बात करते हैं सी एन, यहाँ पर बात करते हैं सी एन, दो दो सी एन है, अरे भाई दो दो माइनस एम लगाने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस एम है और यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्टिविटी होगा। अब लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप थोड़ा सा चांद तारे आप लगा लो समझने के लिए। देखो ये भी ओ एम ही है, ये भी ओ एम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन कर रहा है वो ऐसे कर रहा है और यहाँ का जो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर आपके पास शॉर्ट कॉन्जुगेशन है, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज़्यादा अच्छा होता है इस कम्पेयर टू शॉर्ट कॉन्जुगेशन, इसीलिए ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो नेचर ऑफ डाइन में हमने दोनों तरह के कॉन्सेप्ट सीख लिए, सबसे पहले हमने ये सीखा कौन से डाइन्स रिएक्शन दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखाएंगे, और दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि यदि सभी डाइन्स रिएक्शन दिखाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है। ये जो भी हमने पूरा डिस्कस किया है, ये हमने एक तरीके से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूरा का पूरा डिस्कस किया है। अब हम एक लास्ट बात और सीख लेते हैं इसी में, नेचर ऑफ डाइनोफाइल। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ डाइनोफाइल। देखो अगर हम डाइनोफाइल की बात करते हैं तो डाइनोफाइल के केस में क्या रहने वाला है आपके पास, आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास इस तरीके से ये कोई जी ग्रुप लगा हो, और जी ग्रुप कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, मतलब माइनस एम और माइनस आई, तो जितना अच्छा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ डाइनोफाइल, बस सिंपल सा मतलब। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट एग्जाम्पल लूँ, जैसे सी एच ओ, ठीक है, यहाँ पर और एग्जाम्पल लेता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी एन एन ओ टू, या फिर सी एच ओ सी एच ओ, या फिर ये वाला तो सबसे बेस्ट है सी एन सी एन और यहाँ पर सी एन, तो ये सभी डाइनोफाइल्स क्या हैं, इन सभी पर एक तरीके से आपके पास
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। क्या लगे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लो इनका कभी क्वेश्चन आ जाए रिएक्टिविटी का, तो कैसे कर लोगे? तो आपके पास सबसे पहला यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी है, यहाँ पर क्या है आपके पास एन ओ टू है, और यहाँ पर आपके पास सी एस थ्री है, और यहाँ पर ये सिंपल डाई है। आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, इसको मैं नंबर वन बोल देता हूँ, इसको नंबर टू बोल देता हूँ, नंबर थ्री बोल देता हूँ, नंबर फोर बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है? यहाँ पर आपके पास ओ एम ई है, यहाँ पर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है, यहाँ पर आपके पास सी एल है, और यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ जाएगा। इसको भी फिर से मैं नंबर वन बोल देता हूँ, इसको मैं नंबर टू बोल देता हूँ, इसको नंबर थ्री, इसको नंबर फोर। आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डायनोफाइल बताना है। किस तरीके से बताओगे? तो आप देखो, ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस एम, ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस एम, ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, प्लस एच, और ये कुछ नहीं लगा रहा। तो हमें पता है इन दोनों में माइनस एम इसका सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे सेकंड वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट वाले की, फिर फोर्थ वाले की, और सबसे लास्ट में थर्ड वाले की। थर्ड वाले का सबसे लास्ट रीजन क्यों है? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा रहा है, और हमारे पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ऐसे ही इसमें बात करते हैं, ये क्या लगा रहा है, प्लस एम, ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस एम, ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस आई। तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास नंबर वन। ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो भी बात अभी हमने डायनोफाइल की सीखी, इसको अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन से समझाऊं, कैसे आप करने वाले हो, कैसे रिएक्शन करवाने वाले हो, और क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, और यहाँ पर आपके पास NO2 आ जाए, और ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और आ जाए, बताइए आपके पास सामने डाइन है, आप किस डाइन पर अटैक करवाने वाले हो। तो हमें पता है यहाँ पर डाइनोफाइल है, यहाँ पर डाइन तो सेम है, अब डाइनोफाइल पे कौन से वाले पे, देखो यहाँ पर ये वाले डाइनोफाइल में माइनस एम लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज़्यादा है, तो इसका अटैक यहाँ पर होगा। इस वाले केस में यहाँ पर क्या लगा है, प्लस एच लगा है, तो इस वाले का इसका अटैक यहाँ पर होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर नेचर पढ़ा है। हमेशा याद रखना कि जब भी डाइन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस चाहिए होती है, जो हमेशा डाइनोफाइल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए होती है। इससे क्या होता है, होमोलोमो का गैप कम हो जाएगा और इंट्रैक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक्चुअली कहानी क्या चल रही है, कहानी चल रही है होमोलोमो इंट्रैक्शन। जितना बढ़िया होमोलोमो इंट्रैक्शन उतना बढ़िया वहां पर क्या होगा, इंट्रैक्शन की वजह से एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन। और होमोलोमो इंट्रैक्शन बढ़िया कब होगा, जब उनके बीच का एनर्जी गैप कम होगा। तो एनर्जी गैप कम करने के लिए सारी की सारी हम कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम सबसे पहले 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में क्लासिफिकेशन करेंगे। हम लोग डील्स अल्टर रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर, और डील्स अल्टर रिएक्शंस में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है, अब हम डील्स अल्टर रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन करेंगे। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, रिड्यूस सिलेक्टिविटी, इन सबको हम एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।